आपको कहाँ मिली है? सड़क पे मिली ना, और नाली पे पड़ी हुई यार। ये मैं कह रहा हूँ इनकी अपनी कुत्ती है, कोई सड़क पे नाली में मिली, गग्गल का कुत्ता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हमारी नहीं है। देखो पता है ना इनका कुत्ता है अपना। भाई मूवी क्यों बना रहे हैं? बनाते हैं हम कुत्ते लेके आए ना, पेशेंट बनाते हैं। हां तो मैं आपको पता कैसे चला इसके बारे में, पीपल फार्म के बारे में? अगर नहीं बनाते मूवी तो रविवार हो गया तो सच बता दो, तो लाइव तो करना ही है। मैंने सच बता दो हुआ क्या है। हमारा तो हो गया, हमारा ही डॉग है, एक कुत्ते के साथ लड़ पड़ी थी। बड़ी चीज बड़ी है, ये तो दूध नहीं आ रहा। कोई कितने दिन पहले, इसको तो हो गए 7-8 दिन हो गए। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे घर पे हैं। आज मैं इसको पेन किलर लगवाती हूँ। ठीक है जी। माँ का बच्चों के साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सुबह भेजेंगे, ट्रीटमेंट प्रॉपर कराएंगे इसकी, घर पे करा देंगे। ठीक है, तो अच्छी बात। बच्चों के साथ रहना बहुत जरूरी है। ठीक 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 है। पीछे के पैर काम नहीं कर रहे हैं शायद, ये वाला पैर भी इसका क्या टूटा हुआ है, सूजन है काफी ज्यादा, काफी तकलीफ में है डॉग। इंटरनल इन्फेक्शन है काफी सीवियर, क्योंकि इसने अभी डिलीवरी दी है। हो सकता है कि शायद कोई बच्चा रह गया हो, डॉग बाइट भी बता रहे हैं, डॉग फाइट हुआ था शायद। तो अभी क्लियर पिक्चर नहीं है हमारे पास, जो भी होगा कल CBC इलेक्ट्रिकी और अल्ट्रासाउंड के बाद ही पता चलेगा। देखो अब डार्टगन तो अपनी बवाना वाले रेस्क्यू पे गई है। अगर डिफिकल्ट हो रहा है या बैल ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है तो हम पोस्टपोन कर सकते हैं, हम दोबारा जा सकते हैं, बट कोई भी ऐसा स्टेप मत लेना जहाँ पे बैल को ही आपको रिस्क रहे। इसके यहाँ पे मतलब पूरा खाली हुआ है, टेस्टिकल के आसपास ही है, जख्म से बन गया काफी। कांटे वाली वायर होती है, उसी से लगे। पकड़ने की कोशिश किया कि इसको कहीं ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं आया उस टाइम। भाई उधर से भी घेर लो ना। फंस गया, फंस गया, फंस गया। बाहर में जान दे। तो आएगा, इधर ही रहेगा। ये आवारा पशुओं के लिए पानी रखा हुआ है हमने यहाँ, जैसे ही खाली हो जाता है हम इसको भर देते हैं फ्रेश। इसको पीने के लिए आता है, पानी पीने के लिए आता है। डार्टगन आ जाएगी फिर ही घर पाएंगे, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। कोई नहीं, आप देखते रहना, कर लेना कॉल। हाँ मैं कर लेंगे कॉल। क्या होगा, क्या होगा? और आज हमारा कॉन्सर्ट है, पीपल फार्म हॉस्पिटल कॉन्सर्ट फॉर आवर डॉग्स। देख सकते हैं हम प्ले कर रहे हैं। छोटा डांस पूरा रोक के रख के रखता पूरे टाइम, का अंदर नहीं करता बिल्कुल भी। कर लो कर लो, फाइनली तुम भी आज उसने कर लो। चित्रकारी करते हुए आगे बढ़ी। वो अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, अंदर जाएगा। आज भी तू आ जा। अच्छा, योगी को देख के भाग रही, योगी खड़ा इधर। कैंटे भी वैक्सीन किया है अभी, तो फोन है वो रिमूव कर रहे हैं उस टाइम से, रिलीज करने जा रहे हैं इसकी लोकेशन पे वापस। हमने इसको करीब 2-2.5 महीने पहले रेस्क्यू किया था, और इसको पेट के साइड में एक इतना बड़ा ट्यूमर था। सबसे पहले तो इसकी टिक बाइट फीवर की ट्रीटमेंट चली, जब ब्लड लेवल्स वगैरह सब नॉर्मल हुए तब फिर हमने इसकी सर्जरी करी ट्यूमर रिमूवल की, और अब जाके ये पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। साथ में इसको कैस्ट्रेशन भी कर दिया गया था टाइम से, पूरी तरीके से सब कुछ ठीक हो चुका है, तो इसको वापस इसके एरिया हम रिलीज कर रहे हैं। डब्बू डब्बू घर नहीं जा रहे डब्बू को, चल घर चलते हैं। चलो चलो नॉर्बू जी, बुध पूर्णिमा वाले दिन हमें ये गुल्लक दे के गए, उन्होंने पैसे इकट्ठे कर रखे थे, तो उनको तो किसी अच्छे काम के लिए देंगे, तो अब हम कोशिश कर रहे हैं इससे पैसा निकालें विदाउट इसको तोड़े। आपके पास है क्या कोई उपाय? नहीं, इनके पास हर आध्यात्मिक सवाल का जवाब है, लेकिन जब बात यथार्थ की आती है तो मैंने कभी इस पर सोचा नहीं है। आकाश हमारे साथ जुड़े हैं, ये हमारे साथ कॉमेंट्स में रिप्लाई करते हैं, क्योंकि इनके विचार हमसे काफी मिलते हैं। वीगन भी हैं, पशुओं की मदद भी करना चाहते हैं। अब ये बताओ आपके विचार हमारे से कहाँ नहीं मिलते? आपके जो भगवान पे विचार है, जैसे आप एक तरफ ये कहते हैं कि सब उनकी ही कृति है, बिल्कुल, तो जैसे जो नॉनवेज खाते हैं वो भी उनकी ही कृति है। हाँ, तो बिना उनकी मर्जी के तो वो खा नहीं रहे। मैं ये तो नहीं कह रहा कि उनका उस पर पूरा कंट्रोल है, सब उनकी ही कृति है, तो पूरी चीज उनके हाथ में कैसे नहीं। अब जैसे इंसानों ने ही कितना कुछ इजाद किया, बनाया,
पर वो चीज़ अब हमारे हाथ से बाहर है, उसने एक अपनी एक लाइफ ले ली है, होता है ना ऐसा, चीज़ें चल जाती हैं, इकोनॉमी अब चल गई, अब कोई मतलब वो भागे जा रही है, अलग ही चल रहा है, तो ऐसे भगवान के साथ भी मुझे लगता है ऐसा मुमकिन है। जो थॉट्स आते हैं हमारे अंदर हम क्रिएट नहीं करते, वो वही देते हैं। मेरा ऐसा मानना नहीं है, देखो अच्छा। मेरा मानना ऐसा है, मैं तो फ्री विल में विश्वास रखता हूँ कि 99% से ऊपर फैक्टर हमारे हाथ के बाहर हैं, पर एक छोटा सा फैक्टर हम भी हैं, और मुझे लग रहा है उतने एक छोटे से फैक्टर में इंसान ने कर दिया कांड। वहाँ पे मुझे भी समझना है, मैं समझ रहा हूँ। तो यहाँ पे हम दोनों डिसएग्री करते हैं। दादा आपके पास कोई प्लान है इसको वो करने का? ठीक है, अगर ये हो गया तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो इसके अवशेष हम आपको दे देंगे। अरे बड़ा पक्का मामला है ये, गाड़ी चेंज करें। हाँ पर ये ध्यान से धीरे धीरे। पर इसमें से भी सिक्के मुझे नहीं पता। गरम ये। थैंक यू नॉर्बू जी, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि कल हम इसमें से पूरे पैसे निकाल के क्लिनिक में इस्तेमाल कर लेंगे। चल मैना जल्दी आ। ये मैना है जिसने कुछ दिन पहले बच्चे को जन्म दिया था। उसने प्लेसेंटा बाहर नहीं निकाला था जो कि अंदर सड़ गया है, तो उसमें स्मेल पड़ गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए हम इसकी डूशिंग कर रहे हैं अब। डूशिंग हम एनएस में बिटाडीन को मिला के में डाल के तो उसको अंदर ही रख देते हैं। गर्भाशय के अंदर जितनी भी गंदगी होती है वो डूशिंग करने से साफ़ हो जाती है। एनएस और बिटाडीन का जो हमने घोल बनाया हुआ था वो खुद थोड़े टाइम बाद खुद ही निकल जाता है बाहर। प्लेसेंटा भी धीरे धीरे बाहर आ जाता है थोड़े थोड़े टुकड़ों में सड़ के। मम्मी को कहाँ ले गए? इतना जोर जोर से क्यों रो रहा है मेरा बेटा? ऐसे इतना इतना आंसू आ गए मेरे बेटे को। मैना का बेटू है ना तू? मदर को हमने अभी ट्रीटमेंट के लिए रखा हुआ है ना बाहर, तो अभी ये हल्ला मचा रहे हैं। इसको हमें बॉटल फीड करना पड़ता है ना, क्योंकि मदर को मस्टाइटिस है, दूध तो बिल्कुल नहीं निकल रहा है, सूजन और हो गई है, पेन बढ़ गया है बेचारी का। उसकी ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, जैसे इसकी मदर का मिल्क बिल्कुल नहीं निकल रहा है क्योंकि उसके थन ब्लॉक्ड है, उसमें पस है। इसको हम बाहर का कोलेस्ट्रॉम जो हमने सेव करके रखा था वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और कोलेस्ट्रॉम मतलब होता है जो कोई भी मदर का होती है जब वो जन्म देती है बच्चे को, उसके बाद जो पहला दूध आता है गाढ़ा बिल्कुल ही, वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वही हम सेव करके रखते हैं ताकि हम ऐसे किसी ज़रूरत वाले टाइम पे उन बच्चों को प्रोवाइड कर सके जिनको वो नहीं मिलेगा। रो रहे रो रही है, मम्मा को बुला लो, रो रही है। जब बात बकरे मुर्गों की हो तो लोग कह देते हैं इन्हें तो पैदा ही खाने के लिए कराया जाता है, यूं तो गाय बछड़े को भी दूध के लिए ही पैदा कराया जाता है, पर आपके सामने वो बच्चा अपनी माँ के लिए रो रहा है ना भाई। आपके पैदा कराने का मुद्दा जो भी हो, भगवान ने तो पशु को भी इंसान की ही तरह प्यार और दर्द दोनों सहने की क्षमता दी है। ये गीता है, कुछ टाइम पहले इसको यहाँ पे चोट लगी थी जो अब पूरी तरह जो इसका घाव है वो भर चुका है। हमने हल्दी के अंदर सरसों का तेल मिक्स करके और हमने पेस्ट बनाया था और वही हम इसको लगा रहे थे। आज हम इसको ना बाहर छोड़ेंगे, इसके दोस्तों के साथ जाना है, पॉटी नहीं कर देनी है कपड़ों पे नहीं करनी है। मैंने तो सोचा था शोल्डर पे बैठा के लेके जाऊंगी तेरे, अब तो नहीं लेके जाऊंगी मैं तुझे, गंदी बच्चे ही। वो बाहर ही खड़ा है और इसकी और मेरी बिल्कुल नहीं बनती है, मुझे देखते ही मेरे ऊपर अटैक करता है। मेरी दोस्त सही हो गई है और मैं अब इसको बाहर छोड़ रही हूँ। तो बहुत प्यारा बच्चा है, ये देख मैंने छोड़ दिया तेरी दोस्त को बाहर। ना जब तक घाव नहीं भरा था हमने इसको काउ शेड के अंदर ही रखा था, वहीं पर हम उसको खाना पानी दवाई लगा रहे थे। अब उसकी स्किन अच्छे से हील हो गई है तो अब वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम सकती है। स्पॉट डोंट लिक, स्पॉट पहले से बेटर है, लेकिन इसकी बेवकूफियाँ अभी भी जारी हैं। इसको हमें रोज सुबह देखना पड़ता है कि भाई ये धूप में जाके ना लेटे, ये अभी भी धूप में जाके लेट रहा है। ये भी इंसान की तरह, इसको पता नहीं है कि क्या इसके लिए बुरा है, तो ये वही चीज करे जाएगा जिससे इसको समस्या हो रही है। पर अब इसकी आंख वाँख दोनों ठीक है, देखो पढ़ोगे।